हेलो। हेलो। ओहो, क्या हाल है साली साहिबा? आप बढ़िया है, सूरत कहाँ से निकल गया? हाँ, पश्चिम से। अच्छा, ऐसी लग रहा है। कहाँ रहती हो भाई तुम आजकल? ना तो कुछ पता ना वो है। तुम्हें ये भी खोज खबर रहती है कि तुम्हारे कोई जीजा जी कहाँ हाँ बिल्कुल रहती है। रहती है? रहती होती तो फोन नहीं करती ना। फोन ना कोई आता ना पता, कैसे चलेगा ऐसे? हैं, इकलौती साली हो तुम हमारी। और क्या, हमारे चीजा जी अपनी इकलौती साली को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, तो क्या करें। इम्पोर्टेंस नहीं देते? अरे अब इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते भाई? इकलौती होगी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कैसे नहीं देंगे? तुम्हें पता नहीं है साली आधी घरवाली होती है। और क्या, तो साली का नंबर तो वाइफ के बाद उसी का ही आता है ना। हाँ, तो भैया तुम्हारी दीदी के बाद तो सबसे ज्यादा हम याद करते हैं वो तुम्हें ही करते हैं। आधी की जगह पूरी बन जाए तो पूरी बन जाएंगे तो फिर सोने पे सुहागा है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें? ज्यादा ही दो तो नहीं नहीं, है। कुछ ज्यादा नहीं है। पचाने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर तो है। आप अपना बताओ। पचा लेते। अरे आप खिला के तो देखो। दूध तो पचा नहीं पाओगे। ना ना, किसने बोला? सब कुछ पचा लेंगे। सही कह रहे हैं। पता है तुम्हारी याद सबसे ज्यादा कब आती है हमें? आती जब तुम्हारी दीदी नहीं होती है तब तुम्हारी याद आती है। कि दीदी को ज्यादा ही दूध पिलाती ना, दीदी के बाद फिर आधी घरवाली की याद आती है ना। अब आधी घर वाली आधे काम करेगी, पूरे काम थोड़ी ना करेगी। हाँ, आधे काम भी करोगी तो आधे से काम चल जाएगा फिलहाल, फिर धीरे धीरे आधा पूरा बन जाएगा। पूरी घर वाली तो पूरा मजा देगी, आधी घर वाली तो आधा ही मजा देगी। हाँ, तो मैंने भी वही बोला, शुरुआत तो करो। पहले आधे मुझे लेकर देखो, अपने आप ही पूरे मजे लेने का मन करेगा। सही कह रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे कितने ज्यादा मजे लिए हैं आपने। अरे नहीं, काम लेंगे आप कभी। हाँ, बोलती नहीं, हम आहे भरते रह जाते हैं, साली की याद करते रहते हैं, साली हमें इम्पोर्टेंस देती नहीं है। हाँ, अब आधी घर वाली बनाओगे तो नहीं तो इम्पोर्टेंस भी दूंगी। अच्छा, आधी भी घर दोगी? वाली बनाओ तो आधी घर वाली वाला प्यार तो करो। अरे तो शेर तेर की बात की है, हाथ कंगन को आर से क्या? आओ किसी दिन मिलते हैं, बैठते हैं। कहाँ बैठेंगे? फिलहाल तो कुर्सी में बैठाऊंगा, उसके बाद जहाँ बैठना चाहो। अच्छा, और हम गोद में बैठ जाए अरे गोद में बैठ जाऊंगी तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बच्चे की तरह बिठाएंगे तुम्हें गोद में। हाँ, तो। वैसे हमारा भी मन है तुम्हें गोद में बिठाने का। हाँ, इकलौती साली है तो सारा प्यार तो साली पे उमड़ेगा ना। हाँ यार, प्रोग्राम बनाते हैं, किसी दिन मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया यार, पता नहीं कहाँ हो तुम। मिलेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहता है यहाँ तुम्हारी तो। वैसे दीदी को, अपने तुम्हारी दीदी जब कभी मायके जाती है तब बुलाते हैं तुम्हें, तब अच्छे आओ। फिर तो पूरा घर अकेला अकेला होगा, सिर्फ हमारा बच्चा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर पलके बिछाए इंतजार करेगा तुम्हारा।
अच्छा मस्ती करेंगे ना। फिर तो शायद आधी से पूरी बन जाएंगे हम तो घर वाली आपकी। हाँ हो सकता है, डिपेंड्स, पहले आधी तो बनो। अच्छा अब आप तो प्यार करने वाले तो बनो आधा, तभी तो बनाएंगे। ना ना, तभी तो बुला रहे हैं, वरना बुलाते ही क्यों। क्यों, एक का टेस्ट लेते लेते थक गए तो दूसरा टेस्ट चाहिए। हाँ यार, थोड़ा लाइफ में चेंज होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी में लाइफ जो है सिस्टमेटिक अच्छी तरह चलती है, जब लाइफ में चेंज आते रहे। मुझे जी लगता है अब चेंज करने का टाइम आ गया है, थोड़ा चेंज लेने का टाइम आ गया है। ज्यादा ना स्वाद न चख, नहीं दो दो चखने की आदत हो जाएगी। नहीं, ज्यादा नहीं चखेंगे, थोड़ा ही चखा देना, हम भी अच्छा तो चखें अच्छा कितने मिठास है आपके अच्छा होंठों में। लास्ट टाइम जो किस किया था उससे पता नहीं चला कितने मिठास है। वो तो बहुत छोटी समय की किस्त है, उससे क्या होता है। हमें तो ज्यादा लेने की आदत है ना। ज्यादा लेने के लिए ज्यादा बड़ा भी चाहिए होता है। आओ मिलो, फिर बताते हैं, फिर दिखाते हैं, पता अच्छा चल जाएगा। सच में दिखाओगे? बिल्कुल, जो जो बोलोगे सब कुछ। जी बिल्कुल, क्या क्या देखना है। हमें तो बहुत कुछ देखना है, आप क्या क्या दिखाओगे? वैसे आपके पास है क्या क्या? सब कुछ है। सब कुछ है। जो एक लड़की को चाहिए होता है सब कुछ है। अच्छा जी मैंने आपको कैसे पता कि एक लड़की को क्या क्या चाहिए? मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा जी है। ठीक ठीक है। है, चलो ना, प्रोग्राम बनाते हैं, आओ हाँ किसी दिन। ठीक है, हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और बताओ। और तो सब यहाँ बहुत बढ़िया है। बस पता है कभी कभी ना मैं जब ना रात में सोती हूँ या फिर जब ये ठंडी ठंडी रात होती ना तब मैं आपको बहुत मिस करती मेरे साथ भी वही हाल है। हूँ। पता नहीं तो आपकी बहुत याद आती है, बहुत मुझे करने का मन करता है। सही बात है, हमें भी बहुत मन करता है अपनी प्यारी प्यारी साली को फील करके देखें, महसूस करके देखें। अंदर वैसे तक महसूस करोगी? बिल्कुल अंदर तक, अरे इतनी प्यारी हो तुम, तो किसका मन नहीं करेगा। बिल्कुल, बनाओ, अब सर्दियां आ रही हैं, तुम्हारे दीदी जो है मायके जाएंगी, तो उस टाइम आ जाओ, मौसम भी सही है, माहौल भी रहेगा, रातें भी रंगीन हो रातें भी जाएंगी। रंगीन हो जाएंगी, और जब तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। फिर तो माहौल बहुत गर्म हो जाएगा, एकदम गर्म बिल्कुल, गर्मी। अच्छा आग ही लग जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक है, चलो चलिए सुनाओ। हाँ मेरी थोड़ा सा कुछ काम है, ओके ओके मैं ठीक निकलता हूँ, है, ओके ओके बाकी उस पर डिसाइड करना और मुझे मैसेज करना। ओके 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 बाय चलो, बाय 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 बाय। बाय।